तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़, है ना। ये जो भी डिसीजन है, ये कोई लंग में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, उस वजह से एयर फ्लो में दिक्कत आ रही है, तो उस वजह से सारी डिसीज़ होती है। एम्फाइसमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकिकटिसिस, ठीक है, ये चार डिसीज़ है। अभी इसमें अपन दो डिसीज़ डिस्कस करेंगे, एम्फाइसमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, फिर ठीक है, फिर बाकी फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़ में। फिर एम्फाइसमा डिस्कस करते हैं। एम्फाइसमा क्या है? क्रॉनिक लंग डिसीज़ करेक्टराइज बाई एबनॉर्मल इरिवर्सिबल परमानेंट डायलेशन ऑफ द एयर स्पेसिस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है। सबसे पहले क्रॉनिक लंग डिसीज़ है, ठीक है, इसमें क्या होगा? एबनॉर्मल इरिवर्सिबल परमानेंट डायलेशन ऑफ एयर स्पेसिस, परमानेंट डायलेशन होगा एयर स्पेसिस का, और कहाँ पर होगा? डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल क्या होता है? लंग्स में देखो ट्रैकिया होती है, फिर यहाँ पर ब्रोंक्यूल, फिर ब्रोंक्यूल का फर्दर डिवीजन होता है, फिर यहाँ पर बनती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल के आगे जाते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलस, और फिर आगे एल्वियोलाई, मतलब मेन होती है, ठीक है। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद वाला पार्ट जो है वो डायलेट हुए परमानेंट, उसको बोलते हैं एम्फाइसमा, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन आ जाते हैं, सबसे पहले आता है सेंट्री एसिनर, नाम से मन में आ रहा है सेंट्री एसिनर मतलब सेंटर के पास या फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल के पास वाला जो है वो इफेक्टेड होगा। तो डायलेशन इन्वॉल्व द सेंट्रल और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एसिनाई, प्रॉक्सिमल पार्ट इन्वॉल्व होगा इसका, ठीक है, और जबकि डिस्टल पार्ट स्पेयर्ड रहेगा। तो डायग्राम में देखो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और ये है अपना एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलस, ये चार डायग्राम, चार चीज़ अपन को पता है। तो जो इसके इसमें किस में एम्फाइसमा होगा, ये अपने रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है ना यहाँ पर, और इसके टर्मिनल ब्रोंक्यूल के प्रॉक्सिमल पार्ट मतलब यहाँ पर पास में, ठीक है, ये प्रॉक्सिमल है और ये डिस्टल है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल पार्ट में हुआ डायलेशन और ये प्रॉक्सिमल पार्ट स्पेयर्ड रह गया, ठीक है। फिर साइड जो है इसकी मोस्ट कॉमन अपर लोब है, और स्पेशली अब एपिकल सेगमेंट में एसोसिएशन किससे होता है? हैवी स्मोकर्स होते हैं उनमें एसोसिएटेड होता है, ठीक है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड कोल्ड वर्कर न्यूमोकोनियोसिस के भी इससे एसोसिएशन है, ठीक है। हैवी स्मोकर्स, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और कोल्ड वर्कर न्यूमोकोनियोसिस, तो हो गया सेंट्री एसिनार। फिर नेक्स्ट आता है पैन एसिनार। पैन एसिनार मतलब पैन माने ऑल होता है, तो पैन एसिनार मतलब सारी जगह पे होगा। ऑल द एयर स्पेसिस बियॉन्ड द टर्मिनल ब्रोंक्यूल आर मोर और लेस यूनिफॉर्मली इक्वली डायलेटेड, मतलब जितनी भी टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद के वाला स्ट्रक्चर है सब जगह डायलेशन होगा, मेनली लोअर लोब्स में होगा। एसोसिएशन इसका कहते हैं इससे अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन से है। देखो इसके बाद जो पैन एसिनार है रेस्पिरेटरी टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद सारा जो हिस्सा है वो फूला हुआ। फिर डिस्टल एसिनार में क्या होता है? पैरासेप्टल या पैरासेप्टल एम्फाइसिस बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि डिस्टल पार्ट जो होगा वो डायलेट होगा और प्रॉक्सिमल पार्ट जो होगा वो स्पेयर्ड रहेगा, ठीक है। जो डायलेटेड स्पेस है मोर देन 1 सेंटीमीटर होंगे तो उसको बुले फॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है। मोर कॉमन साइड एडजेसेंट टू द सेप्टा एंड प्लूरा, ठीक है। इसका एसोसिएशन है फाइब्रोसिस, स्केरिंग और एटिलेक्टेसिस, ठीक है। तो सबके अलग अलग एसोसिएशन है और थोड़ी साइट भी अलग अलग है, और बाकी नाम से मतलब समझ में आ जाता है। डिस्टल एसिनार मतलब बाद वाला हिस्सा फूला होगा, सेंटर वाला बचा हुआ होगा, ठीक है। इररेगुलर मतलब कि कहीं भी इररेगुलरली कहीं भी जो है वो फूला हो सकता है, कहीं भी डायलेशन देख सकता है, और मेनली एसिम्प्टोमेटिक है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एम्फाइसमा यही होता है इररेगुलर, ठीक है। देखो इररेगुलर में कहीं भी फूला हुआ है, यहाँ पर डायलेटेशन है, यहाँ पर डायलेटेशन, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन। फिर नेक्स्ट आते पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में यह है कि अलग अलग मैकेनिज्म है जो कि कराती हैं अपनी एम्फाइसमा। एम्फाइसमा होता है क्या है कि डायलेशन क्यों हो रही है? जो जो प्रोटीन है अपने लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर, तो उसमें क्या होगा, इसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया तो उस वजह से डायलिटेशन हो गया है ना। तो सबसे पहला आता है रोल ऑफ प्रोटीज एंड एंटी प्रोटीज मैकेनिज्म। उसमें क्या होगा, जैसे कोई इंजरी हो गई जिससे कि क्या हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल हुए और डैमेज द एपिथेलियल सेल, ठीक है। इंजरी के कारण इन्फ्लेमेटरी सेल का एक्यूमुलेशन हो रहा हो और एपिथेलियल सेल डैमेज हो रहा हो, उस वजह से क्या होगा कि इन्फ्लेमेटरी सेल हैं और जो डैमेज एपिथेलियल सेल हैं वो क्या करेंगे, प्रोटीएज को निकलवाएंगे। प्रोटीएज क्या करता है, ये प्रोटीन को तोड़ेगा। प्रोटीन तोड़ेगा तो जो अपनी वॉल है वो कमजोर पड़ जाएंगी और डायलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीएज कैन डैमेज द कनेक्टेड टिश्यू, कनेक्टेड टिश्यू को डैमेज करेगा और जो अपनी वॉल है उसमें डायलेटेशन हो जाएगी। नॉर्मली द डैमेज ऑफ प्रोटीएज इज प्रिवेंटेड बाय द एंटी प्रोटीएज अल्फा वन एंटीट्रिप्शन। अल्फा वन एंटीट्रिप्शन है जो एंटी प्रोटीएज होता है और प्रोटीएज की एक्टिविटी को कम करता है, ठीक है। प्रोटीएज मतलब कनेक्टिव टिश्यू को तोड़ने नहीं देता है। फिर जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीएज इनहिबिटर अल्फा वन एंटीट्रिप्शन हैज एन इंक्रीज टेंडेंसी टू डेवलप एम्फाइसमा। अगर अल्फा वन एंटीट्रिप्शन की कमी है तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रोटीएज का काम ज़्यादा होगा तो कनेक्टिव टिश्यू का ज़्यादा लॉस होगा और एम्फाइसमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्मोकिंग एग्जेजरेट दिस टेंडेंसी, स्मोकिंग के कारण और ज़्यादा उसकी बढ़ जाएगा रिस्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रोल ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग कारण यही है कि स्मोकिंग एनहेंसेज द इलास्टेज एक्टिविटी ऑफ द मैक्रोफेज। इलास्टेज की एक्टिविटी बढ़वा देगा तो वो कनेक्टिव टिश्यू को और ज़्यादा तोड़ेगा। कंटेंट ऑफ टोबैको स्मोक डैमेज टू द एल्वियोलाई, एपोप्टोसिस एंड इन्फ्लेमेटरी सेल टू प्रोड्यूस ऑक्सीडेंट, है ना। ये स्मोकिंग है उसकी जो टोबैको स्मोक है वो ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करती है, इन्फ्लेमेटरी सेल को रिलीज करवाएगी, उससे वही रिलीज वो उससे प्रोटीएज भी निकलेंगे और ऑक्सीडेंट भी निकालेगी और एपोप्टोसिस भी कराती है एल्वियोलाई का।
रोल ऑफ इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स, मैनी इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स आर रिलीज इन द लंग्स, लिकोट्राइन B4, इंटरल्यूकिन 8, TNF. तो इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स का भी रोल होता है, तीन चीज़ों का रोल होता है, एक तो प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज मैकेनिज्म, एक रोल ऑफ स्मोकिंग एंड रोल ऑफ एंटीबॉडी इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स. ठीक है, फिर अपन फ्लो चार्ट देखते हैं, वो सब तो देखो याद हो गया थोड़ा थोड़ा, अब इसके फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उसमें तीनों फैक्टर आ जाएंगे, सबसे पहले एनवायरमेंटल फैक्टर या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन की कमी, किसी की वजह से भी ये सब हो सकता है. एक तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज इसने निकलवाई थी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ने, या फिर इसने स्मोकिंग ने, है ना, इस वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ था, स्मोकिंग कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ, एपोप्टोसिस बढ़ेगी, सेनेस कैंस होगा ज़्यादा. ठीक है, ये वाला होगा किसका, स्मोकिंग कारण. इन्फ्लेमेटरी सेल्स या इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिलीज होंगे, कुछ भी इन्फ्लेमेशन इंजरी हो गई तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स निकलेंगे, इससे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ये ल्यूकोट्राइन B4, इंटरल्यूकिन 8 और TNF ये निकल गए. इस तरफ आ जाते हैं, अगर अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन की डिफिशियंसी है या फिर कुछ इंजरी हो गई, इस वजह से प्रोटीज एंटी प्रोटीज इंबैलेंस हुआ था, प्रोटीज ज़्यादा निकलता है, तो इन सब फैक्टर से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलर वॉल होगा, रिएम्फाइसिस हो जाएगी. तो ये फ्लो चार्ट सारे पूरी पूरी पैथोजेंसी का समअप है, तो ये कर लेना इंपॉर्टेंट है ना, ये फ्लो चार्ट तो बना के ही आना पेपर में. फिर नेक्स्ट आता मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी, अपर टू थर्ड ऑफ द लंग्स आर सीवियरली इन्वॉल्व, अपर टू थर्ड जो लंग की होती है वो इन्वॉल्व होती है. बुले आर फाउंड इन द डिस्टल एसिनर एम्फाइसमा, बुले फॉर्मेशन 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा का अगर वो होता है तो उसको बोलते हैं अपन बुले. फिर माइक्रोस्कोपिकली देखें, लंग्स सो एबनॉर्मली लार्ज एल्वेलाई सेपरेटेड बाई थिन सेप्टा, है ना, अपन को बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली लार्ज एल्वेलाई देखेंगे क्योंकि वो हो गया है, डायलिटेशन हो गया. इन एडवांस डिजीज बुले में भी सीन, बुले भी देखते हैं. ठीक है, बुले. फिर क्लिनिकल फीचर में आए तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जो सिम्टम्स हैं वो बहुत लेट आते हैं, मैनिफेस्टेशन अपेयर लेट अंटिल एटलीस्ट 1/3 ऑफ द फंक्शनिंग पल्मोनरी पेरिनकाइमा, मतलब डैमेज, मतलब जब तक 1/3 जो है ना पल्मोनरी पेरिनकाइमा तो डैमेज नहीं होते तब तक उसके सिम्टम्स पता नहीं चलते. तो क्या क्या होगा, डिस्निया होगा, कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन होगा, वेट लॉस इज कॉमन. तो ये तीनों सिम्टम्स तो हैं, डिस्निया, कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन और वेट लॉस. ठीक है, फिर क्या होगी, बैरल शेप्ड चेस्ट होगी, चेस्ट जो है वो फूल जाएगी, है ना. प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन की टू डायग्नोसिस, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन है ना वो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि जो लंग्स है वो डायलेट हो गई है, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन होगा. फिर जो पेशेंट है वो कैसे देखेगा, हंस्ड पोजीशन में देखेगा, थोड़ा ऐसे आगे को झुका हुआ, देखो ये डायग्राम है, आगे की तरफ झुका हुआ रहेगा. ब्रीथिंग थ्रू पल्स्ड लिप्स, तो अब वो क्या है, एक्सपायरेशन अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो वो अपनी लिप्स से एक्सपायर करेगा, तो अपन जब उसको बोलेंगे प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन करने को तो वो इससे लिप्स से करेगा. ठीक है, फिर डेथ में भी ड्यू टू आइदर ऑफ द फॉलोइंग, किसी भी चीज़ से, इन सब चीज़ों से डेथ हो सकती है, जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और कोमा से डेथ हो सकती है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर से डेथ हो सकती है, मैसिव कोलैप्स ऑफ लंग सेकेंडरी टू न्यूमोथोरेक्स, ये तीन चीज़ों से डेथ हो सकती है. ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर में यही याद करना, डिस्निया, कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन, वेट लॉस, बैरल शेप्ड चेस्ट, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन, हंच पोजीशन, ये सब याद करना है. ठीक है, तो ये था अपना एम्फाइसिमा में, अब नेक्स्ट वीडियो में फर्दर अपन डिसीज डिस्कस करेंगे. थैंक यू.